So hello everyone, welcome back to our new video, and in this video we will discuss about installing and updating software packages in Linux server. Okay, so this is the chapter number 14 और इससे पहले हम लोगों ने 13 chapter successfully complete किया. पूरी video series का playlist video के description में add कर दूंगा. अगर आप directly ये video देख रहे हैं तो पूरा Linux का RH124 book वहां से cover कर सकते हो. अब यहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना या सॉफ्टवेयर को रिमूव करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है. अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हैं और आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उतना आसान नहीं है जितना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है. तो इस वीडियो में हम लोग इसको आसान बिल्कुल करेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सीखोगे कि कैसे आप एक लिनक्स सर्वर के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे सॉफ्टवेयर के स्टेप्स फॉलो कर सकते हो. इंस्टॉल करना हो, रिमूव करना हो या अपडेट करना हो, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे. चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो क्लाइंट लेवल का हो या फिर सर्वर लेवल का हो, उसमें सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही ज़रूरी है. इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग या यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होता है. तो अगर हमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो हम बहुत आसानी से इसके अंदर सभी सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. अब किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम लिनक्स मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो हमें इसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए जो कि लिनक्स के अंदर है RPM. तो RPM मीन्स होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो RHEL सर्वर है ये RPM एक्सटेंशन के सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करता है. नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो .exe फाइल आप डाउनलोड करते हो, क्योंकि विंडोज़ के अंदर .exe फाइल रन होता है. बट अगर मैं यहाँ पर लिनक्स मशीन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके अंदर .rpm फाइल होता है. बट एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आप एंड्रॉयड मशीन का भी एक एक्सटेंशन देखो तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप .apk फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करते हो. ये समझ लो कि एक सफिक्स है जो कि .rpm हमारे लिनक्स सर्वर के अंदर इस्तेमाल. अगर हम लोग लिनक्स पैकेज पर काम कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो लिनक्स सॉरी .rpm पर अगर आप मैनेज कर लेते हो तो लिनक्स के एप्लीकेशन को मैनेज करना काफ़ी आसान होता है. सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड RPM. RPM का फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, और ये डेवलप्ड हुआ था बाई रेड हैट. यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मिलता है जो कि हमारा जो सफिक्स होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने का वो .rpm होता है लिनक्स मशीन के अंदर. और .rpm पैकेज को हमें इंस्टॉल करने, अनइंस्टॉल करने, मैनेज करने सब कुछ आना चाहिए. जो भी हमारा .rpm का फाइल होता है वो आर्काइव फाइल होता है, क्योंकि कोई कोई सॉफ्टवेयर का जो पैकेज होता है एक सॉफ्टवेयर के लिए, मान लिया कि अभी मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ HTTP सर्वर. अब HTTP सर्वर को अगर मुझे यानी कि वेब सर्वर में इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो HTTPD पैकेज होता है, उसके अंदर बहुत सारे मीन्स एक तरीके का डिपेंडेंसीज एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स एक्सटेंशन या फाइल होती हैं जो एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने में हेल्प करते हैं. आपने देखा होगा MS Office का पैकेज विंडोज़ में एक फाइल इंस्टॉलेशन की होती है, उसके साथ बहुत सारी एडिशनल फाइल होती हैं. जब इंस्टॉल करते हो तो वो सब फाइल वन बाई वन इंस्टॉल होते हैं. ऐसे ही अगर हमें लिनक्स मशीन के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो पैकेजेस होते हैं वो .archive डेटा में होते हैं. आर्काइव एक कॉम्प्रेस या जिप फॉर्मेट होता है डेटा का या मल्टीपल फाइल का, जो कि एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल या इंफॉर्मेशन को रखने के लिए इस्तेमाल होता है. जिप फॉर्मेट ऑलरेडी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, चाहे GZIP हो, BZIP हो एंड अनदर जितने भी हमारे एक्सटेंशन होते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों ने सक्सेसफुली लास्ट वीडियोज़ में कवर किया. अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर आर्काइव डेटा है तो उसको डीकम्प्रेस करके या अनआर्काइव करके हमें उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए. बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे, मैनेज करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटर बहुत आसानी से उस फाइल को इंस्टॉल कर सकता है सॉफ्टवेयर पैकेज मैनेजर द्वारा, उनको रिमूव कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है, अपडेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें. और जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंस्टॉलेशन फाइल जो होती है वो स्टोर होती है लोकल RPM डेटाबेस के अंदर, जो भी हमारा सिस्टम होता है. जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो रेड हैट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और .rpm की फाइल होती है. फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर है तो उसका क्या प्रोसीजर या फॉर्मेट पूरा होता है वो मैं दिखाता हूँ. अगर यहाँ पर आप देख रहे हो RPM फाइल, RPM पैकेजेस,
आर पैकेज फाइल्स नेम कंसिस्ट फोर एलिमेंट। जो भी आरपीएम फाइल होती है ना, आरपीएम सॉफ्टवेयर होता है, वो फोर एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। पहला सफिक्स, नेम, वर्जन, रिलीज, आर्किटेक्चर। यहाँ पर नेम, वर्जन, रिलीज, आर्किटेक्चर के साथ यहाँ पर आपका सफिक्स भी देखने को मिलता है। सफिक्स हमारा क्या होता है कि एक तरीके का प्लस वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि डॉट आरपीएम एक्सटेंशन है, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर पैकेज के साथ ये रहेगा ही रहेगा। इसको थोड़ा सा और डिफाइन में करूँ अगर, तो ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ये हमारा सॉफ्टवेयर का नेम है, राइट। मान लिया कि एक कोर यूटिल्स करके कोई सॉफ्टवेयर है, और इसका जो वर्जन है वो 8.30 है, दिस इज़ द वर्जन डिटेल। और यहाँ पर जो हाइफन है ना, एक तरीके का सेपरेट कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन को। और ये प्रॉपर्टी इसका रिलीज इन्फॉर्मेशन है। ई एंटरप्राइज, एल मीन्स लिनक्स है, और ये 8 वर्जन के लिए, आपका 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पर हमारा आर्किटेक्चर हो जाता है, और ये हमारा सफिक्स डॉट आरपीएम है। तो ये पूरा कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगा। आगे हम लोग यहाँ पर देखें तो जो नेम होता है ना, नेम इज वन आर मोर वर्ड, ये एक या एक से ज़्यादा वर्ड का हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोर यूटिल्स करके है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा कोई नेम हो सकता है। अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर की डिटेल्स आपको दिखाऊं अपने लिनक्स मशीन के अंदर, तो लेट मी चेक, मैं कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और इसके अंदर हमारे पास है लाइक बेस, ओके। मैं कुछ सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सटेंशन क्या है और हमें समझना कैसे है। अगर मैं यहाँ पर ls लिखता हूँ तो पैकेजेस नाम की एक डायरेक्टरी है, ये कहाँ से है ये आपको अभी आगे जस्ट पता चल जाएगा, बस अभी के लिए थोड़ा सा इधर आप कंसंट्रेट कर लें। ls करके मैं एंटर करता हूँ, सो दीज आर द पैकेज, ओके। ये सभी पैकेज देखो डॉट rpm में है। अब कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिंगल नेम से होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर सिंगल नेम है और बहुत सारे मल्टीपल नेम से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सिंपल पैकेज, ओके। यहाँ पर हाइफन EL9 का मतलब क्या है, इंटरप्राइज लिनक्स 9 के लिए। मैं लेटेस्ट इस्तेमाल करूँ, आपका 9, 10 आगे आने वाले समय पर या आपका जो भी होगा वो डिटेल यहाँ पर रहेगा। आर्किटेक्चर है इसका, और यहाँ पर सफिक्स वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे नेम थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, ओके। वर्जन इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, और अगेन आपका यहाँ पर डॉट आरपीएम फाइल मिल जाता है। तो इस तरीके से आप नेम देख सकते हो, एक सिंगल वर्ड या मोर वर्ड में यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो सकती है, सिंगल वर्ड, वन वर्ड आर मोर वर्ड। वर्जन, नंबर ऑफ द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ये कुछ भी एक वर्जन यहाँ पर आपका हो सकता है, जैसे 8.3 इधर है। रिलीज इन्फॉर्मेशन, एंटरप्राइज लिनक्स 8 के लिए है ना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन है एज पर रिलीज। अब सॉफ्टवेयर अपडेट की इन्फॉर्मेशन तो आपने यहाँ पर देख लिया, बट अपडेटिंग सॉफ्टवेयर विथ आरपीएम पैकेज, कैसे अपडेट करेंगे? तो रेड हैट जनरेट अ कंप्लीट आरपीएम पैकेज टू अपडेट सॉफ्टवेयर। रेड हैट क्या करता है, एक तरीके का कंप्लीट आरपीएम पैकेज का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने लिनक्स सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट, रिमूव, इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो, अगर हमें अपने लिनक्स मशीन पर चेक करना है कि हमारे लिनक्स मशीन पर कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, तो लैब की जो भी बातें होती है वो मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर करते हुए दिखाता हूँ। तो अगर मुझे चेक करना है कि हमारे सिस्टम पर कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, RPM हाइफन क्यू आप लगा सकते हो, और स्पेस सॉफ्टवेयर का नाम दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ HTTPD, तो एक वेब सर्वर के लिए एप्लीकेशन है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी इंस्टॉल चेक कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर VSFTPD, क्या ऐसा कुछ है? अगर है तो ये भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है, ओके।
इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एडिशनल इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यू ए के साथ देख सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर की लिस्ट है तो क्यू ए एंटर करेंगे, और अगर मल्टीपल मान लिया कि लिस्ट ऑल इंस्टॉल्ड पैकेजेस से रिलेटेड ये दिखा देगा, तो हमारे पास यहाँ पर तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर मैं पैकेजेस यहाँ पर नहीं दिखाता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो जो भी हमारे पास इंस्टॉल्ड पैकेजेस की लिस्ट है वो पूरा यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है। यू कैन सी बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर क्या है, पहले से इंस्टॉल्ड हैं। अगर मुझे सिंगल किसी को चेक करना है तो आप यहाँ पर उसका नेम दे दो। जैसे अगर मैं इस सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ पर दे देता हूँ, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर किया, तो ये क्या कह रहा है, कोई एरर आया? नहीं। अगर मैं ए हटा देता हूँ, ए वैल्यू यहाँ से हटा कर एंटर करूँ, तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, अवेलेबल है। अगर नहीं होता कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर नहीं है, जैसे मैं देख लेता हूँ जो सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें क्या किस तरीके से लिख कर आ रहा है, HTTP इज नॉट इंस्टॉल्ड। अगर इंस्टॉल्ड है तो वो पैकेज नेम डायरेक्टली आपको लिख कर या दिखा देगा। क्लियर हो गया अभी यहाँ पर? अब देखो कोई भी पैकेज फाइल नेम से अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका फाइल नेम डिफाइन कर सकते हैं। क्यू के साथ हम एफ लगा देंगे और वो भी क्वेरी हम पूरा कर देंगे, लाइक HT समथिंग। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि रन मीडिया रूट के अंदर कोई इस तरीके का डिटेल नहीं है, HTTPD एंटर। तो आप देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से। तो फाइल नेम के साथ फाइंड आउट करने के लिए पैकेज प्रोवाइड है कि नहीं वो हम लोग क्यू ऐप से चेक कर पाते हैं। बट एक चीज़ और यहाँ पर, अभी तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग एक क्लियर करते हैं, थोड़ा सा और इसको क्लियर वे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारे सिस्टम पर जो भी सॉफ्टवेयर वो मिलेगा कहाँ से, तो हमारे सिस्टम पर सॉफ्टवेयर, अभी मैं कहाँ पर हूँ, सीडी से मैं बाहर आ गया और मैं अपने लाइक नॉर्मल रूट डायरेक्टरी पर हूँ, होम डायरेक्टरी पर रूट के। अब मैं अगर चेक करना चाहता हूँ या हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमें इंस्टॉल करने के लिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा यम, ओके, और यहाँ पर हम इंस्टॉल लिखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर रखना है, वो मैं दिखा दूँ। जैसे यम स्पेस रेपो लिस्ट, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बोलेगा। पहले तो कह रहा है कि कोई रेपोजिट्री अवेलेबल नहीं है। रेपोजिट्री मतलब वो लोकेशन जहाँ से आप अपने लाइनेक्स सर्वर पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो। एक एक पॉइंट समझना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। लाइक आपके पास एक लाइनेक्स सर्वर है, ओके, ये मान लिया कि आपका लाइनेक्स सर्वर है, ओके। अब इस लाइनेक्स सर्वर में आप क्या करना चाहते हो, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो HTTPD का, जो कि एक आपके किसके लिए होता है, एक वेब सर्वर के लिए है, ओके। तो वेब सर्विस के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर मिलेगा कहाँ पर, हम या तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, राइट। अब इंटरनेट से हम लाइनेक्स के अपने सुटेबल वर्जन या अपने मशीन के लिए फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट पर, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट पर किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने हो सकते हैं। पहले सुटेबल या अपडेटेड पैकेज आपके लिनक्स वर्जन के लिए मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट, या फिर आसानी से मिल जाए या फिर ना मिले। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक बेटर अपडेट यानी कि जो बेस्ट एप्लीकेशन फाइल है वो कैसे मिलेगा। इंटरनेट पर तो बहुत सारी फाइल्स उससे रिलेटेड मिल सकती हैं, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया नहीं लगेगा कि वो पर्टिकुलर फाइल कैसे हम सर्च करें या सेलेक्ट करें जो हमारे सिस्टम के लिए बेस्ट है। दूसरा, चलो ठीक है, एक प्लेस हमारा हो गया इंटरनेट के लिए। दूसरा प्लेस हमारा हो सकता है सैटेलाइट सर्वर, राइट। बट सैटेलाइट सर्वर के लिए क्या कह रहा है कि दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड विथ एन इंटेलमेंट सर्वर, यू कैन यूज सब्सक्रिप्शन मैनेजर टू रजिस्टर, ओके। तो फाइनली कह रहा है कि आप एक सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर करो, तब आप सैटेलाइट सर्वर से अपडेट उठा सकते हो। अब सैटेलाइट सर्वर क्या होता है कि हम सभी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं ISP से, और हम रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर अपडेट लेना चाहते हैं, यानी कि कोई एक सैटेलाइट सर्वर होगा
जहाँ पर लाइनक्स सर्वर रखा होगा, और यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर जो डेवलपर इस पर काम करते हैं, रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी है, वो यहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर इस मशीन पर रखेंगे। जब हम यहाँ से कुछ भी अपडेट करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर लेना होगा। सब्सक्रिप्शन मैनेजर पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया कि एक तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर होना चाहिए, सेटेलाइट ऑप्शन होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास अगर DVD है, चाहे वो RHEL 8 का हो, 7 का हो, 6.7 का हो, या 6 का हो, या 9 का हो, या 10 का हो, आने वाले समय पर जो भी 10, 11, 12 जैसा आता है, नो आइडिया क्या है, तो उसका अगर DVD है तो विद द हेल्प ऑफ DVD यू कैन इंस्टॉल पैकेजेस। DVD के अंदर मल्टीपल पैकेजेस होते हैं, है ना, बट उसके अपडेट और इन सारी चीज़ों के लिए, करेंट अपडेट और इसके लिए हमें सेटेलाइट सर्वर का ही सोल्यूशन यूज़ करना होगा। तो इंडस्ट्री बेस्ड आप सब्सक्रिप्शन मैनेजर इस्तेमाल कर सकते हो, बट डेवलपर पर्पज़ से हम लोग इसको एज अ लर्नर इसको बहुत आसानी से फ्री में सब्सक्रिप्शन मैनेजर ले सकते हैं। इसके बारे में 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन और ये सब कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अलग कोई वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो फिलहाल हमारे पास इंटरनेट से डाउनलोड करने का ऑप्शन बचा और DVD का ऑप्शन बचा। तो हम लोग अपने सिस्टम पर DVD बेस पर चेक कर लें कि हमारे DVD के अंदर क्या क्या पैकेजेज और कैसे हमें इसको चेक करना होगा। तो मान लिया कि आपको अपने सिस्टम पर DVD इंस्टॉल कनेक्ट कर लेना है, पेन ड्राइव में आप ISO फाइल अटैच कर लेंगे। तो जो भी RHEL 8, 9 जो भी आपका वर्जन है, जो भी आपके पास DVD है वो ले लेंगे, इसका ISO फाइल आपके पास होना चाहिए। अब इस ISO फाइल में हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ पैकेजेस होते हैं, राइट। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, ऑल पैकेजेस आर अवेलेबल। अब सारे पैकेजेस अवेलेबल होंगे तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा, चेक DVD पैकेजेस। DVD पैकेजेस को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड रन करना होगा। मैं एक अनदर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इस टर्मिनल में मैं यूज़ करता हूँ DF, डिस्क फ्रॉम एंटर। हमारे सिस्टम पर एक DVD है जो कि /dev/SRV करके ये है, और इसका लोकेशन भी आप देख सकते हो, रन मीडिया रूट समथिंग कुछ ऐसे करके यहाँ पर दिखा रहा है, यू कैन सी, ये कंप्लीट फाइल या लोकेशन है। तो इसको मैं ग्राफिकली भी चेक कर सकता हूँ यहाँ पर, और RHEL की DVD आप देख सकते हो ये लोकेशन है, और इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये दिखा देगा, ये रन मीडिया रूट के अंदर इस नाम से ये फाइल है, सॉरी डायरेक्टरी है, जिसके अंदर कंप्लीट लाइनेक्स का पैकेज है। ओके, इसके अंदर देख सकते हो सभी पैकेजेस हैं, ग्राफिकली मैंने आपको दिखाया। बट अगर मुझे इसको थोड़ा सा और यूनिफाइड वे में लर्न करना है या ह्यूमन फॉर्मेट में रन करना है, तो हम लोग यहाँ पर DF -HT इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये यहाँ पर 8.5 GB का साइज है और ये लोकेशन है, थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट हो जाएगा, ये आई थिंक ब्लॉक में दिखाता है। तो लगभग में 8 GB या 9 GB का ये टोटल पैकेज है। अब इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ls /run media, आपको याद हो गया होगा अभी, run/media root RHEL, इसके अंदर हमारे पास एप स्ट्रीम, EFI, एक्स्ट्रा फाइल, जेसन समथिंग, इमेजेस, मीडिया रेपो, ये सारी इंफॉर्मेशन, बेस OS और ये सब है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब रेपो लिस्ट चलाया था तो वहाँ पर रेपोजिटरी कोई भी नहीं दिखा रहा था। तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो हमारा सिंटेक्स क्या है, यम, है ना, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। तो YUM हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, yum -install, और फिर यहाँ पर जो भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मैं yum के बाद डबल टैब इस्तेमाल करूँ तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं अपडेट चेक करने के लिए, ग्रुप इन्फॉर्मेशन के लिए, लिस्ट चेक करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बट अभी आप इंस्टॉल करके और सॉफ्टवेयर का नाम देकर इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट देकर, अपडेट सॉफ्टवेयर जो भी करना चाहते हो उसका नेम देकर अपग्रेड कर सकते हो, और यहीं से आप रिमूव करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, राइट। तो ग्रुप इंस्टॉल के लिए भी यहाँ पर स्पेसिफिक सारी कमांड है।
एम स्पेस क्लीन लिखते हैं तो आपका जो भी रिपोजिटरी का लिंक और ऐसा कुछ है वो बिल्कुल क्लीन और उस इंफॉर्मेशन में क्लीन, एंड डबल टैब आप लगाकर इसके आगे ऑल कैश और मेटा डेटा पैकेजेज ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। जस्ट ये इससे आपका सारा सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हो जाएगा, इसको यम के साथ हम लोग मैनेज करके देखेंगे भी। तो हमने यहाँ पर यम स्पेस इंस्टॉल लिखा और मान लिया कि मुझे इंस्टॉल करना है HTTPD। अब सॉफ्टवेयर का नाम अगर आपको पूरा वर्जन और ये सब नहीं पता तो आप स्टार लगाकर एंटर कर दो। इससे रिलेटेड जो भी आगे नेम, वर्जन, आर्किटेक्चर और डिटेल होगा, है ना, सफिक्स होगा, वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पर ये स्टार लगा देने से सेलेक्ट कर लेता है। ये एक इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है ना जिसके थ्रू आप आगे की सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। ये लेक्चर पूरा 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, बट मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं 1.5-1.5 घंटे की वीडियो पहले बनाया पूरा चैप्टर का ये सारी चीज़ें, बट उसमें लोगों का ये था कि सर थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके लेकर चलिए। मैंने कहा ठीक है, पार्ट वाइज इसको क्रिएट कर देता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर इस नाम की कोई रिपोजिटरी और कोई ऐसी फाइल नहीं है, या अवेलेबल होती तो ये इंस्टॉल हो जाता। तो अब हम या तो इसको डाउनलोड कर लें या तो फिर हम इसको सैटेलाइट सर्वर से ले लें, है ना। तो अब देखो सब्सक्रिप्शन मैनेजर भी हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो रेड हैट सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, रजिस्टर करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड और इन सारी चीज़ों के साथ। तो इसको बहुत ही आसानी से एज स्टूडेंट वर्जन पर फ्री में आप ले सकते हो, इसका मैं अलग से डेडिकेटेड बना दूंगा। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताओ कि सर मुझे रेड हैट रजिस्ट्रेशन का जो भी है या सब्सक्रिप्शन मैनेजर के बारे में सीखना है, तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ तक आप वीडियो देखे हो। और इसके आगे हम लोग जो भी पॉइंट्स हैं आगे डिस्कस करेंगे, कैसे काम करना है और कैसे हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मनपसंद प्लेलिस्ट ले लो, सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। पेड ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर नीचे दिख रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, अगर कोई अपडेट होता है तो उसको ज़रूर चेक करें, और रिलेटेड आप टीम से कनेक्ट करके आप कोर्स वेयर को इनरोल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।